हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ और न्यू वर्ड्स आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जिन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है लिम्प। लिम्प मीन्स क्या होता है? लिम्प मीन्स होता है लंगड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है जिगल। जिगल मीन्स होता है खिसियाना। इसको बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कोई ना कोई खिसिया जाता है, यानी कि वो जिगलिंग कर रहा है, जिगलिंग। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मर्मर करना। मर्मर मीन्स होता है बड़बड़ाना। ये चीज़ ज़्यादातर देखा हो रहा है गुस्से में, मम्मी वगैरह बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती है, तो आप इसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मर्मर करना यानी कि बड़बड़ाना। बहुत सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, कोई कुछ बोल रहा है बट हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा पास में होते हुए, यानी कि वो मर्मर कर रहा है, वो बड़बड़ा रहा है। बैबलिंग मीन्स भी होता है बड़बड़ाना, ठीक है, बैबलिंग मीन्स भी होता है बड़बड़ाना। नेक्स्ट है टॉटरिंग। टॉटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना या लड़खड़ाकर चलना। टॉटरिंग मीन्स लड़खड़ाना, राइट। वेरी इजी है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने में आते ही आते हैं। घर में बच्चे नाटक करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई लंगड़ा हो तभी हमें बोलना है। कभी कभी बच्चे भी बना पैरों को ऐसे करके चलते हैं ना, तब भी हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लिस्प। लिस्प मीन्स होता है तुतलाना। नेक्स्ट वर्ड है शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स होता है कपकपाना। शिवरिंग यानी कि कपकपाना, कि तुम कपकपा क्यों रहे हो, व्हाई आर यू शिवरिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग मीन्स होता है भिन भिनाना, ठीक है। ग्रम्बलिंग मीन्स होता है भिन भिनाना। इस वर्ड को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब भिन भिनाते रहते हो या भिन भिनाता रहता है, तो बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि ग्रम्बलिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्लश या शाय, यानी कि शर्माना। ब्लश करना बोलते हैं ज़्यादातर लड़कियों के लिए, ब्लश कर रही है यानी कि शर्मा रही है, या फिर शाय वर्ड आप लड़कों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है, मेरे लिए भी थोड़ा सा न्यू है बट येस आपके लिए भी न्यू होगा, टिप्सी। टिप्सी मीन्स होता है नशे में झूमना। टिप्सी यानी कि नशे में झूमना। आई होप ये जो वर्ड्स हैं आपके काम के रहे होंगे। अगर आपके काम के हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा वर्ड है जिसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर करेंगे, और कौन सा वर्ड आपके लिए न्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।